प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संयुक्त अरब अमीरात दौरा। राष्ट्रपति अल नहयान के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। यूएई के पहले हिंदू मंदिर का भी करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य में विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। 16 फरवरी को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। आरसीएम का दुमका दौरा। विधानसभा अध्यक्ष रविनाथ महतो ने जामताड़ा में 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। किसानों को व्यावसायिक खेती का दिया सुझाव। और राज्य में मौसम के बदले मिजाज से रांची समेत कई जिले बारिश से सरोवर, कई जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। 16 से होगा मौसम साफ। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर रवाना हुए। वहां वे राष्ट्रपति अल नहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री यूएई के पहले हिंदू मंदिर का भी शुभारंभ करेंगे। मोदी का यूएई का ये 7वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अपनी रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के हिस्से जुड़े स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। पिछले 8 महीने के दौरान दोनों नेताओं के बीच ये 5वीं मुलाकात होगी। पीएम मोदी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। ऑन 13th सून आफ्टर हिज अराइवल Prime Minister's engagement would include meeting with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the President of the UAE. Following the ceremonial welcome and reception at the Presidential Palace, the two leaders will sit down for bilateral meeting. On 13th itself, Prime Minister will be addressing a community event, Alhan Modi, in Abu Dhabi. Prime Minister will be participating in the World Government Summit 2024. As a guest of honor and deliver a special keynote address on the closing day of the summit. इसके साथ पीएम अपनी यात्रा के दौरान अबू धाबी में बन रहे यूएई के पहले हिंदू मंदिर के शुभारंभ समारोह में भी शिरकत करेंगे। इस मंदिर को बीएपीएस नाम की संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। A key highlight of the Prime Minister's visit to the UAE would be inauguration of the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi on 14th February. अपनी यूएई यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी कतर की राजधानी दोहा की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद और उच्च गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये पीएम मोदी की कतर की दूसरी यात्रा होगी। भारत और कतर के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $20 बिलियन है। The bilateral relationship between India and Qatar that has been steadily growing includes a comprehensive span including political ties, trade and investment linkages, our strong energy partnership and ties in the field of culture, education and security. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा काफी महत्वपूर्ण है। ये दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को दर्शाता है। वहीं पीएम मोदी की कतर यात्रा आपसी संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को लेकर खास तो है ही, इसके अलावा इसकी कूटनीतिक अहमियत भी है। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कतर ने फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा मामले में भारत सरकार को बड़ी राजनयिक जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के यूएई दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह है लोगों में अहलन मोदी को लेकर, यानी स्वागतम मोदी, सुस्वागतम मोदी। समूचा भारत यहां पर सिमटा हुआ है, भारतवंशी यहां पर है और भारत के हर एक कोने से, हर एक राज्य से माताएं बहने यहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए है। हमेशा जो यहाँ पर ग्रुप है वो कोलकाता से है, हमारे साथ में राजस्थान से, केरला से, तमिलनाडु से और देश के अलग अलग हिस्सों के सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए लोग पहुंचे हैं। जबरदस्त उत्साह है लोगों की अपनी प्रस्तुतियों को लेकर। सबसे पहले पूछेंगे रविंद्र संगीत या फिर जो अद्भुत शास्त्रीय संगीत है उसकी क्या प्रस्तुति आप लोग देंगे जिससे भारत भारतीयता की यहाँ झलक दिखे, बंगाल की झलक दिखे। एक ही है देवता जिनको हम पूछते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें हम लोग रविन्द्र संगीत का डांस दिखाने वाले हैं, जो हम लोग पूरा बंगाल को शोकेस करने की कोशिश में हैं, अपना जो रविंद्र संगीत डांस उसके साथ। तो उसी तरह से हमारा पूरा टीम तैयार है अभी, तो हम लोग वही कोशिश में हैं एंड हम लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग कर्नाटका से हैं और हम यक्षगाना प्रस्तुत कर रहे हैं, इट्स विच इज अ स्पेशल डांस फॉर्म है
అండ్ ఉస్మే కథ బోలి జాతి హై అండ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ యూనిక్. ఇక్కడ వేరే వేరే భాషలో ఉన్నా కూడా మేమందరం కలిసి అలాన్ మోదీ కోసం వర్క్ చేసి చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి అందరూ ప్రోగ్రామ్ చేయబోతున్నాము. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. థ్యాంక్ యూ టు అలాన్ మోదీ ప్రాజెక్ట్. ഞങ്ങള് ചെയ്യുന്നത് മോദിജിയുടെ ടേം പീരീഡിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത്, ചന്ദ്രയാൻ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റ്സും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഇന്ത്യ ശങ്കർ മഹാദേവൻ സാറിന്റെ സോങ് വെച്ചിട്ടാണ് സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഫോമിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. 32 ഡാൻസേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ തീം. ജി ഹം രാജസ്ഥാനി ഘൂമർ പെർഫോം കർ രഹേ ഹൈ. യേ ഹം രാജസ്ഥാൻ കോ റിപ്രസെന്റ് കർ രഹേ ഹൈ ടു ദ അബുദാബി, ടു ദ വേൾഡ്, ടു ദ മോദി. देख सकते हैं कि लोग अपनी प्रस्तुतियों को लेकर जबरदस्त उत्साह में हैं. आपने हर हर मोदी का नारा सुना होगा, लेकिन यहाँ एक अलहदा नारा है और वो नारा है ये अलहदा नारा है अहरान मोदी वंदे मातरम, जिसकी गूंज सुनाई देगी शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी से और पूरी दुनिया सुनेगी भारत भारतीयता के महागान को. अपनी सहयोगी मेघना देव और कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ मैं अश्विनी कुमार मिश्र, शेख जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम. मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने विकास को नया आयाम देने की दिशा में कदम बढ़ाया है. प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों पलामू और गढ़वा जिलों का दौरा किया है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे पहले ही बता चुके हैं कि 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने समावेशी विकास को जमीनी हकीकत बनाने का संकल्प दोहराया है. रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ ही सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया, ताकि अन्नदाता उपज बढ़ाकर आय बढ़ा सके. ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को भी उनका खेती से अनाज उपजाऊ टीम पे सिंचाई की व्यवस्था, उस सारी काम हम लोग आगे बढ़ाने शुरू कर दिए. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे पहले ही बता चुके हैं कि 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों का खुलासा करने से इनकार किया. नियम संगत के बीच में कर रहे हैं, समय परिस्थिति पर उस तरह से किया जाता है. आज के सामने चुनाव भी है, सरकार बनाते हम लोग तो समय लगा, अगर समय हम लोग को नहीं लग रहा है कि और हम लोग को समय मिलेगी, इसीलिए हम लोग अपना शोक में हम लोग तय किया. एक अन्य प्रश्न में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वार और अबुआ आवास योजना एक सतत कार्यक्रम है. वो इस सिलसिले में दुमका के दौरे पर भी जा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अबुआ आवास योजना में अगर विसंगति के मामले जानबूझकर सामने आते हैं तो संबंधित अधिकारी पर सरकार कार्रवाई करेगी. दुमका में हम कोई प्रोग्राम तो मेरे करने जा रहा, अब वो आवर्स वाला वो अभियान है, भी रुका नहीं है, हर जगह भी चालू. पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन हो चुका है और उस पर तेज गति से काम भी हो रहे हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही इसमें और प्रगति होगी. ब्यूरो की रिपोर्ट. केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा किसानों के आंदोलन पर कहा है कि किसान संगठनों के साथ गंभीरता से बातचीत हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकले. किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं. बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए. ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया, अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे. इस तरह के विषय, जिन विषयों को लेकर के हमने यह कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है. केंद्र सरकार किसान कल्याण और कृषि विकास के लिए अनवरत काम कर रही है और इन योजनाओं से अन्नदाताओं को संबल मिल रहा है. सरकार की किसान हितैषी योजनाएं अन्नदाताओं को सशक्त बना रही हैं. गरीबों, युवाओं और महिलाओं के साथ साथ किसानों का कल्याण भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं, जिनका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा, कौशल विकास, बाजार पहुंच और टिकाऊ कृषि पद्धतियां प्रदान करके किसान के जीवन में सुधार करना है. आइए नजर डालते हैं इन योजनाओं के बारे में.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान की शुरुआत की थी। पीएम किसान छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिए बनाई गई एक आय सहायता योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 3 समान किश्तों में सालाना 6,000 रूपये की सीधी वित्तीय सहायता मिलती है। इस योजना से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के फुटबॉल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आज दूसरा दिन है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के फुटबॉल मैदान में आयोजित इस 3 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने किसानों को आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक खेती करने का सुझाव दिया। अगर हम कहें तो मैं समझता हूं ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, कृषि ही हमारा प्रधान पेशा है। आज हमें सोचना पड़ेगा हम किस तरह का खेती करें जो वर्तमान बाजार के हिसाब से हम बेहतर जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ सके। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कृषि संबंधित तकनीकी जानकारियां दी और फसलों के बेहतर रखरखाव, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने को लेकर टिप्स दिए। किसान सब इसमें आकर बहुत सारा देख सीखे, वो लोग नए तरीके से खेती करेंगे और पैदावार को बढ़ाएंगे और वो लोग अपना आय को दुगना करेंगे। यहाँ तकनीकी को सीख के जाके वो जैसे सरसों बहुत अच्छा से उगाएंगे और उसकी उपज को बढ़ाएंगे। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि उनका महकमा कृषि विकास और किसान कल्याण के कार्यों को नया आयाम देने के लिए सतत प्रयत्नशील है, जिसके लिए लगातार विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गाँव के घर में निकालते थे सही था, एक नया कल्चर लग रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, नया नया मॉडल देख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी मिल रही है, तो ये कहीं न कहीं प्रगति का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार, कृषि वैज्ञानिक प्रमोद कुमार सहित अन्य कृषि वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर किसानों का हौसला बढ़ाया। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। विश्व रेडियो दिवस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आकाशवाणी के लिए बातचीत की है। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने जीवन के कई अनछुए पहलुओं की चर्चा की, साथ ही जमशेदपुर में अपनी दादी के घर के संस्मरण को भी याद किया। भारतीय परिवार में गरीब अंचल में एक लड़की का जन्म होना, और जैसे कि आपने कहा कि आपका उस वक्त का सपना ये कि एक दिन पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी, उस जमाने में तो ये सपना भी बहुत दुर्लभ होता था, बहुत कम लड़कियां ये सपना देखती थी। ये सोच आप में कैसे विकसित हुई? क्योंकि मेरे जो दादी थी जमशेदपुर के रहने वाली थी, जमशेदपुर मेरे गांव से 60-70 किलोमीटर दूर, तो उनकी जमशेदपुर टाटा के लिए विख्यात है, वहाँ के लोगों को देखा, खुद पढ़ा लिखा नहीं थी लेकिन पढ़ाई का क्या मतलब होता है, पढ़ाई करने से लोग कैसे जीते हैं और लोगों को देखा है, तो इसलिए मुझे कहती थी कि आपको पढ़ना है क्योंकि तुम तो दुनिया में लड़की बनकर आई, तो ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी सीखना पड़ेगा। पता नहीं तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो जब आपको ये बोला जाता था कि आपके भाग्य में संघर्ष है, तब आप क्या पलट कर कुछ जवाब देती थी कि नहीं मैं संघर्षों को पार कर कर एक दिन कुछ बनूंगी? नहीं, उस समय में किसी को जवाब देना शायद नहीं था। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ एक चीज भी मैं सीख जाऊंगी और मुझे ये जो कार्य मुझे कठिन लग रहा है अभी, मुझे लगता है एक ना एक दिन मुझे सहज लगेगा और इस काम को भी मैं कर पाऊंगी। महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल कवित्री और भारतीय राजनीति में अमिट छाप अंकित करने वाली सरोजिनी नायडू की आज जयंती है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन समेत अनेक राजनेताओं ने उन्हें जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लड़का विद्रोह के महानायक अमर शहीद वीर बुद्ध भगत के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजधानी रांची में एक बार फिर ईडी की टीम 2 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दोनों ठिकाना हेमंत सोरेन और अभिषेक पिंटू से जुड़े कारोबारियों का बताया जा रहा है। ये छापेमारी अशोक नगर और कोकर में चल रही है। जमीन कारोबारी रमेश गोप के कोकर और पिंटू से जुड़े एक ठिकाने पर छापेमारी की सूचना है। ईडी की टीम दोनों के घरों पर कागजात खंगाल रही है। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में से पुलिस ने हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अजय सिंह उर्फ लालू सिंह और उसका साथी मनोज ठाकुर शामिल है। लालू सिंह के पास से पुलिस ने 1 हथियार और 2 कारतूस, जबकि मनोज के पास से जो 2 जिंदा गोली बरामद किया है।
बोकारो जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ गोमिया प्रखंड के चुटे पंचायत के गिंधौरिया जंगल के चितियार और दंडरा के बीच चल रही है। सूचना के अनुसार जोनल कमांडर बीरसेन उर्फ काना उर्फ चंचलदा और एरिया कमांडर कुंवर मांझी के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बोकारो एसपी प्रियदर्शी आलोक ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि पिछले कई घंटे से मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों का कहना है कि दोनों और आसपास के क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां बढ़ गई थी और लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई है। हजारीबाग पुलिस ने एक पिकअप वैन से 100 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि एक पिकअप वैन से गांजा की अवैध तस्करी की जा रही थी। गांजा राउरकेला से गुमला होते हुए रांची रामगढ़ मार्ग से हजारीबाग के चोरदाहा चेक पोस्ट से बरामद किया गया है। धनबाद के बीसीसीएल सिजुआ एरिया के सीनियर वित्त अधिकारी अभिजीत चैटर्जी हर साल अपने हाथों से मां सरस्वती की अद्भुत और कलात्मक प्रतिमा निर्माण कर श्रद्धालुओं को पेश करते रहे हैं। इस बार वे एक्सपायरी दवा और माचिस की तिलियों से मां की अद्भुत प्रतिमा को अंतिम आकार देने में जुटे हैं। अभिजीत प्रतिमा निर्माण में इस वर्ष अपना 50वां साल भी पूरा कर रहे हैं, जिसे वो बेहद खास बनाने की तैयारी में हैं। तो ये डिजिटल प्रगति की ओर मार्ग पर जा रही है वो दिखाया है, और ये एक्सपायर दवा और माचिस की तिल्ली का कम्बिनेशन से बना, 3 फुट है लंबाई और 3-3.5 फुट लगभग चौड़ा। ये बचपन से कर रहे हैं और ये मेरा 50 इयर्स कंप्लीट है। हम 16 साल रांची में किए थे, रांची में ही मेरा पढ़ाई लिखाई सब हुआ था, वहाँ किए थे। अब यहाँ डिजिटल में 91 से आने के बाद से ये 34वां साल रांची में। कारोबार जगत की कुछ खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। इंडिया लिमिटेड ने तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दिसंबर में सप्ताह तिमाही में कंपनी के मुनाफे और आय में गिरावट देखने को मिली है। सुजलॉन एनर्जी को लेकर खबर सामने आई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि नए सीईओ को अपॉइंटमेंट किया गया है। कंपनी ने बतौर सीईओ विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। विशाल जनवरी में जापान एयरलाइंस के एयरबस A350 और जापान कोस्ट गार्ड के DHC-8 एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के बाद भारत सरकार ने रनवे सेफ्टी गाइडलाइंस की समीक्षा की है। कंपनी अक्षर स्पिनटेक्स ने 5 बोनस शेयर का ऐलान किया है। मझगांव डॉक्टर शिपबिल्ड्स लिमिटेड ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए। दिसंबर 2023 में सप्ताह तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 627 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बीएसएफ ने वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने जानकारी दी है कि दिसंबर 2023 में सप्ताह तिमाही में कंपनी के मुनाफे और आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत फोर्ज ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 79 करोड़ से बढ़कर 254 करोड़ रुपए हो गया है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर के शेयर में 7% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में कंपनी ने कारोबारी साल 2024 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कारोबारी साल 2022-23 अक्टूबर दिसंबर तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफा बढ़ा है। टू व्हीलर सेगमेंट में देश की कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने कारोबारी साल 2024 की दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों के बाद 4 ब्रोकरेज फर्म्स ने इस स्टॉक पर रिपोर्ट जारी करते हुए टारगेट प्राइस को रिवाइज कर दिया है। निजी क्षेत्र का ऋणदाता एक्सिस बैंक पेटीएम के साथ काम करना चाहता है। चालू तेल वर्ष के दौरान खाद्य तेल के कुल आयात में भले ही गिरावट देखी जा रही हो, लेकिन रिफाइंड तेलों के आयात में अभी भी बढ़त जारी है। चीनी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड शाओमी ने भारत में रेडमी बर्ड्स 5 वायरलेस ईयरफोन लॉन्च किए हैं। राजधानी रांची और आसपास के जिलों में आज सुबह से ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आगामी 15 फरवरी तक राज्य के उत्तरी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों के कई इलाकों में वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 14 तारीख में जो सिस्टम है और उसका व्यापक असर झारखंड देखने को मिलेगा और राज्य में कुछ कुछ स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, और 15 तारीख में थोड़ा सा इसका असर कम होगा और राज्य में खासकर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। चेतावनी की बात करें तो 12 तारीख में देर शाम रात में आपको गर्जन के साथ में पश्चिमी मध्य तथा निकटवर्ती उत्तर पूर्वी जो भाग है संताल का भाग है वहां पे हल्की बारिश गर्जन वर्षपात के साथ में देखने को मिल सकती है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के राज्य शिक्षा परियोजना की मेजबानी में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता अंतर्गत बालक एवं बालिका वर्ग साइकिलिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता के बालक वर्ग में अंडर 14 में मणिपुर के युमनम देवजीत सिंह, अंडर 17 में झारखंड के विकास उराव और अंडर 19 में आंध्र प्रदेश के कुमारा सुरेश बाबू को पुरस्कार मिला। बालिका वर्ग के अंडर 14 में राजस्थान की डिम्पल और महाराष्ट्र की गायत्री, अंडर 17 में महाराष्ट्र की आभा और पंजाब की अंजलि और सेहल माली को बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार दिया गया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई रणजी टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ लगाया अर्धशतक, मुंबई की टीम ने नॉकआउट मुकाबले में किया प्रवेश। क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने लिया संन्यास, 17 साल तक झारखंड का किया नेतृत्व, आईपीएल में भी अपनी बल्लेबाजी का रंग बिखेरा। वेस्टइंडीज के खिलाफ पर्थ में होने वाले तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में जैक फ्रेजर मैकगर्ग की एंट्री हो सकती है। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में यह टूर्नामेंट 13 मैदानों पर लगातार 21 दिनों तक खेला जाएगा, 15,000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ब्राजील के फुटबॉल टीम को लगा तगड़ा झटका, पेरिस ओलंपिक के लिए टीम नहीं कर पाई क्वालिफाई, दक्षिण अमेरिका क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में अर्जेंटीना से 1-0 से मिली हार। ब्राजील की फुटबॉल टीम ने रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ऐसे में इस बार क्वालिफाई न कर पाना टीम के लिए बड़ा धक्का है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 13 फरवरी साल 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म तत्कालीन हैदराबाद रियासत में हुआ। वे भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी थी, उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मेधावी सरोजनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक रहा। एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश को समर्पित किया। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की ये अध्यक्ष बनी। साल 1932 में सरोजनी नायडू भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। भारत सरकार ने इनकी जयंती के अवसर पर 15 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। इनकी जयंती भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। सेहत की बात में आज देखते हैं मिर्गी के रोगियों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दौरे पड़ने की समस्या कई लोगों को प्रभावित करती है। इसके कारण और प्रभाव अलग अलग लोगों में भिन्न हो सकते हैं। कुछ मामलों में दौरे मिर्गी रोग की वजह से उत्पन्न होते हैं। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मिर्गी होने पर व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं, जिन्हें फिट्स भी कहा जाता है। मिर्गी आमतौर पर बचपन से लेकर किसी भी उम्र में उत्पन्न हो सकती है। दौरा पड़ना मिर्गी का सबसे आम लक्षण है। हर दौरा मिर्गी नहीं होता। कई लोगों को मिर्गी हुए बिना भी जीवन में कभी कभी दौरे पड़ सकते हैं। मिर्गी के बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग उम्र में अलग अलग कारण होते हैं। जैसे बच्चों में अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए या पैदाइश के दौरान नवजात शिशु में कोई भी नुक्स हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो डिलीवरी में, बचपन में हाइपोक्सिया हो जाए तो भी मिर्गी हो सकती है। जेनेटिक कारणों से बचपन में मिर्गी हो सकती है। इसके अलावा सर पे हेड इंजरी हो जाए तो मिर्गी हो सकती है। और एक हमारे देश में बहुत प्रचलित कारण है जो है न्यूरोसिस्टिसकोसिस, जो है ब्रेन में टेप वर्म के जो अंडे पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारा फूड और वाटर हाइजीन अच्छा नहीं। मिर्गी के मरीजों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिर्गी बाकी बीमारियों से जो है बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है इलाज का। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संयुक्त अरब अमीरात दौरा, राष्ट्रपति अल नहयान के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता, यूएई के पहले हिंदू मंदिर का भी करेंगे शुभारंभ।
मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने राज्य में विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा 16 फरवरी को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। आरसीएम का दुमका दौरा। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने जामताड़ा में 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। किसानों को व्यावसायिक खेती का दिया सुझाव। और राज्य में मौसम के बदले मिजाज से रांची समेत कई जिले में बारिश से सराबोर। कई जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। 16 से होगा मौसम साफ।